रामपुर बुशहर में भाजपा मंडल रामपुर के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। हिमको फेड के अध्यक्ष पाल सिंह नेगी को ही टिकट देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 62 विधानसभा क्षेत्र से टिकट फाइनल हो चुका है, लेकिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र का टिकट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, जिसको लेकर यह मंडल के लोगों में संशय बनाया हुआ है। मंडल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पाल सिंह नेगी को टिकट मिलना चाहिए, अन्यथा रामपुर से फिर सभी कार्यकर्ता अपने स्तर पर कार्य कर सकते हैं। पंचायत के प्रतिनिधि का कहना है कि सभी लोगों ने रामपुर में आज पाल सिंह नेगी का कार्य देखा है। रामपुर के विधायक नंदलाल ने भी इतने कार्य अपने कार्यकाल में नहीं किए हैं जितने कार्य पाल सिंह नेगी द्वारा रामपुर में एक साल के अंदर करके दिखाए हैं। रामपुर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भीषणा भंडारी ने बताया कि यहां की जनता व मंडल की मांग है कि इस बार पाल सिंह नेगी को टिकट दिया जाए। यदि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में जनता को हम क्या जवाब देंगे। उनका कहना है कि जो प्रेस वार्ता थी इस पर थी कि जैसे अभी जो कॉलेज नेगी जी का जो नाम है बाहर नहीं आ रहा है, क्यों पेंडिंग में, क्या रीजन है। यहाँ पे आज रामपुर बुशहर के लगभग 28 जो वर्तमान में पुरुष और महिला प्रधान है और 7-8 जो है इसमें हमारे जो पूर्व में भी रहे वर्तमान और पूर्व के सभी महिला मोर्चा, यूथ आपका, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसी मोर्चा, सभी की ये संयुक्त बैठक थी आज। हम सरकार से, संगठन से ये मांग चाहते हैं कि रामपुर बुशहर का कॉल नेगी के नाम क्यों पेंडिंग में, क्यों आगे नहीं आ रहा है। कॉल नेगी जी को टिकट मिलनी चाहिए और सब कॉल नेगी जी के साथ है। ये हमारी नहीं, रामपुर बुशहर की जनता की आवाज़ है। ये आवाज़ जो है आपके चैनल के माध्यम से संगठन तक ऊपर तक पहुंचनी चाहिए कि कॉल नेगी ही इस बारी सक्षम नेता है रामपुर बुशहर के अंदर। कॉल नेगी जी ने काम किए हुए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, हर जनता जानती है कॉल नेगी जी को। कोरोना काल से लेकर अभी तक वो काम कर रहे हैं जनता के बीच में। टिकट में फेरबदल होगा तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, हमने तो काम करने अपनी पार्टी के लिए, हम तो देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जनता का जो रुख है वो ना जाने किस तरफ होगा, उसकी गारंटी हम दे नहीं सकते हैं। जो जनता है वो ये नहीं देख रही कौन सी पार्टी का टिकट है, उनके मुंह में एक ही आवाज है कौन नहीं को टिकट मिले। और इसके जो कट्टर लोग भी है जो वो भी खुद कह रहे हैं कि हम जो है कौन नहीं कोई पार्टी, ये बोल रहे हैं कौन नहीं सपोर्ट, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले पांच दिनों से हम जनता के बीच लोगों से बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से मिले, बीजेपी के लोगों से मिले, महिला मंडल से मिले, सबने एक ही बोला कि जो वो भाऊ है ना वो लाखों नहीं वो ठीक है, उसको टिकट मिलना चाहिए। तो आज जो है जनता अपने आप से अपने आप को ऑफर कर रही है कि भी कौन नहीं को टिकट मिले और हम कौन नहीं ने काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्यों, क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते कि रामपुर का विकास हो, बने रामपुर में विधायक के दरवाजे बंद हैं। पहली बार रामपुर से लोग चाह रहे हैं विधायक को जिताना, भारतीय जनता पार्टी का पहली बार ऐसा मौका मिला और जबरदस्त जीत हुआ।